नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आयुर्वेदिक उपचार में। और आप देख रहे हैं कपिंग थेरेपी का लाइव डेमो जो आपके समक्ष है। कपिंग थेरेपी, इसको ड्राई कपिंग भी बोला जाता है। ये देख सकते हैं, कपिंग हमारी तीन प्रकार की होती है, ड्राई कपिंग, फायर कपिंग और वेट कपिंग। और ये आपके सामने जो डेमो हो रहा है, ये ड्राई कपिंग का है। आप देख सकते हैं लाइव, ये पेशेंट के पैर पर कपिंग थेरेपी की जा रही है। इससे अगर हमारे वेंस मसल्स वीकनेस है, वेंस में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स है या मसल्स में कोई दिक्कत है, स्टिफनेस है, उनको रिलीज करने के लिए कपिंग थेरेपी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। आप जितने भी भाई लोग इनको वीडियो को देख रहे हैं, एक बार ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कीजिए ताकि और भाई लोग भी हमारे साथ जुड़ सके। आपको पूरा सेशन दिखाने वाले हैं हम, कपिंग थेरेपी का, मसाज थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी का। एक बार जितने भी आपके पास ग्रुप है उन ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके कि फायर कपिंग क्या होती है, वेट कपिंग क्या होती है और ड्राई कपिंग। देख सकते हैं ये देख सकते हैं बैक पर, लोअर बैक पर इनको कपिंग थेरेपी की जा रही है। और इन जो पेशेंट है, इनके वन पार्ट में वीकनेस है, उसी के पर्पस के लिए इनको स्पाइन पर, फुल स्पाइन पर, बैक पर ड्राई कपिंग का सेशन दिया जा रहा है। काफ़ी अत्याधुनिक तकनीक है आपके, ये देख सकते हैं। पहले जो होता था, हमारे ऋषि मुनि वैद लोग जो मिट्टी के बर्तनों से, कांच के बर्तनों से या और किसी उपकरण के द्वारा या सिंगी के द्वारा इसका उपयोग किया जाता था कपिंग थेरेपी का, अभी आधुनिक ज़माने में लेटेस्ट कपिंग थेरेपी आई हुई है जिसका डेमो आप सामने देख रहे हैं। अभी इनकी जो पूरी स्पाइन है इस पर कपिंग थेरेपी की गई है, ये देख सकते हैं। इनको यानी इस पार्ट में कुछ वीकनेस है, वेंस की कमजोरी है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, तो उसी के पर्पज़ के लिए इनको कपिंग थेरेपी दी जा रही है। अभी स्टार्टिंग में इनको कपिंग थेरेपी दी गई है। अभी देख सकते हैं इसको स्टेमुलेशन, होलिस्टिक थेरेपी। ये देख रहे हैं आप, होलिस्टिक थेरेपी जिसमें स्टेमुलेशन दिया जाएगा चैनलों के द्वारा। ये देख सकते हैं मसल्स कैसे इंक्रीज हो रही है। और जो स्टिफनेस है, इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट है कहीं पर भी मसल्स स्टिफनेस है, वेन में ब्लॉकेज है या हमारा रक्त क्लोटिंग में हो गया है, गाढ़ा हो गया है, उनको भी रिड्यूस करने में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इससे। ये देख सकते हैं इनकी बॉडी को पंप कर रही है, इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। पेन है, खिंचाव है, मांसपेशियों में खिंचाव है, तो उसमें भी काफ़ी मददगार है ये होलिस्टिक थेरेपी, चैनल स्टेमुलेशन। ये देख सकते हैं इनका जो ये पार्ट है पूरा पंप कर रहा है।
ये देख सकते हैं इनके एक हाथ में यानी पूरा इनसे काम नहीं कर पाता हाथ से, तो इसी के लिए जो ब्लड का सर्कुलेशन इनके हाथ में पूरा प्रॉपर पहुंच नहीं पाता, तो इसी के लिए इनको कपिंग थेरेपी और स्टिमुलेशन दिया जा रहा है। देख सकते हैं अपने आप इनका ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा, कहीं पर क्लॉट्स है तो वो भी अच्छे से खुल जाएंगे। और इनको एक लेग में भी इसी प्रकार की दिक्कत है, फुल कर लो। ये देख सकते हैं अभी इनको जो फर्स्ट पर हमारी ड्राई कपिंग हुई थी, और फिर उसके बाद अभी जो आपने देखा स्टिमुलेशन, होलिस्टिक थेरेपी, और अब जो इन पे अप्लाई होने जा रही है वो है फायर कपिंग। पहले ड्राई कपिंग थी, अभी फायर कपिंग है, जिनका डेमो अभी आपके सामने होगा। अभी ये ऑयल अप्लाई कर दिया गया है इनकी बैक पर। फायर कपिंग करने से पहले उस पार्ट पर हमें ऑयल से उसको नरम करना होगा। इस प्रकार देख सकते हैं इनके लेग्स पर और बैक पर ऑयल अप्लाई कर दिया गया है। अभी ऑयल अप्लाई करने के बाद इस पर होने जाएगी अभी फायर कपिंग, जिसका अभी सेशन होने वाला है। ये देख सकते हैं ये फायर कपिंग है। एक ही फुल बैक पर फायर कपिंग का जो सेशन है आप लाइव देख रहे हैं। इससे भी काफ़ी हमारी मसल्स है जो वो रिड्यूस होती है और काफ़ी रिलैक्स महसूस करती है। जो खिंचाव है मांसपेशियों में, स्टिफनेस है, वो भी इससे दूर होगी। ये देख सकते हैं बैक पर करने के बाद इनको लेग पर भी फायर कपिंग की जा रही है।
अभी इनको बैक और लेग पर फायर कपिंग हो चुकी है। अभी अगला जो स्टेप है वो होगा मसाज थेरेपी का। ये दोबारा से और ऑयल इनके ऊपर अप्लाई कर दिया गया है बैक और लेग पर। अभी बैक और लेग की दोनों हाथों से नीचे से ऊपर की तरफ अपने हार्ट की तरफ हल्के हल्के हाथों से, ना ज़्यादा दबाओ, बिना प्रेशर के बिल्कुल हल्के हाथों से ऊपर की तरफ ऑयल मसाज। ज़्यादा रगड़ा भी नहीं लगाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे से, बस चमड़ी में ऑयल अंदर तक रम जाए। और साथ के साथ आप देख सकते हैं एक्यूप्रेशर भी मसाज के साथ साथ किया जा रहा है। जो पॉइंट्स हैं स्पाइनल पॉइंट्स, उन पर भी प्रेशर दिया जा रहा है। बंद करते कॉपीराइट। ये था अभी ठीक। ये था मसाज थेरेपी बैक की, नीचे से ऊपर की तरफ। कभी भी अगर मसाज करें किसी भी कंडीशन में, तो मसाज हमारी नीचे से ऊपर की तरफ यानी हार्ट की तरफ होनी चाहिए, तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और ध्यान रहे जो हम मसाज करते हैं वो उससे हवा के संपर्क में ना आएं। अगर हवा के संपर्क में आएंगे तो हमें बाद में पेन ज़्यादा होगा। और मसाज करने के कम से कम 3 से 4 घंटे तक हमें स्नान नहीं करना है, 3 से 4 घंटे के बाद ही स्नान किया जाना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑयल जो हमारी चमड़ी पर अच्छे से लग कर फिर हल्के हल्के हाथों से मसाज करने चाहिए। अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको बिल्कुल मुलायम हाथों से मसाज होनी चाहिए उनकी। ये देख सकते हैं साथ के साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट भी प्रेस किए जा रहे हैं। Thanks guys, thanks for watching for video। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हो। आज आपने देखा कपिंग थेरेपी, ड्राई कपिंग, स्टेमुलेशन, फायर कपिंग, मसाज थेरेपी और एक्यूप्रेशर थेरेपी, इनका सभी का समावेश कम्बिनेशन। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इसी तरह की वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे पेज आयुर्वेदिक उपचार पर विजिट कर सकते हैं, जिस जहाँ पर आपको आयुर्वेद संबंधी बीमारियों के उपचार, नुस्खे, घरेलू नुस्खे, थेरेपियाँ आपको बताए जा रहे हैं उधर, तो विजिट कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद।